नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इल्म की बहार और मैं हूँ आपका होस्ट अली। नाज़रीन, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने लगी तो शैतान एक बुज़ुर्ग की शक्ल में हज़रत हाजरा के पास पहुंचा और कहने लगा कि मैंने एक बुज़ुर्ग को देखा है जो अपने बेटे को छुरी से ज़िबह कर रहा था। जब उसने उस बुज़ुर्ग और उसके बेटे का हुलिया बयान किया तो हज़रत हाजरा ने कहा कि वो तो मेरे शोहर और मेरा बेटा है। हाजरा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इब्राहीम तो बड़े रहम दिल आदमी हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो अपने फर्जंद को ज़िबह कर दें। तब शैतान ने आसमान और जमीन के पैदा करने वाले की कसम खाई और कहा कि मैंने उनको इसी तरह देखा है। तब हजरत हाजरा ने सोचा कि मुमकिन है कि उनके फर्जंद पर कोई मुसीबत आई हो। तब हजरत हाजरा उस मकाम की तरफ चल पड़ी। जब वो अपने बेटे के पास आई और गर्दन पर छुरी का निशान देखा तो ऐसा सख्त सदमा हुआ कि वो शदीद बीमार पड़ गई और रवायात में मिलता है कि वो उसी मर्ज में इंतकाल कर गई। और रवायात में मिलता है कि वो उसी मर्ज में इंतकाल कर गई। और रवायात में मिलता है कि वो उसी मर्ज में इंतकाल कर गई। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।